आज हम आए हैं वाराणसी हिंदी यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं, घूमने। क्योंकि जैसे हमारी पढ़ने की क्षमता और हालत हमें शायद ही कभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने देता। और एक बात, इस जगह पे हम यानी कि मैं बनारस की इस टूर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहले तो हम लोग थोड़ा टोटो में बाहर घूम लिए, क्योंकि मेरी जैसी हालत हो चुकी है अभी, मैं तो पैदल नहीं चल सकती। मैं सच कह रही हूँ, ज़्यादा खाने से ऐसा ही होता है। और इतने सारे पेड़ देखकर मुझे एक बात याद आई, सरकार जो बोलती है इतना ज़्यादा पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, सभी पेड़ इस जगह पे लगा दिए क्या? बहुत अच्छी बात है, आप भी लगाओ, मुझे भी लगानी चाहिए, मैं भी लगाऊंगी, आप भी लगाओ। और फिर हम एंट्री कर रहे थे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर जब मैं एंट्री कर रही थी, सामने तो बहुत सुंदर पेंटिंग बिक रहा था, और इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग ये लोग बना रहे थे। मैं बस सोच रही थी, एक ये और एक मैं, ये लोग जिसके अंदर इतना सारा टैलेंट, ये लोग कितना सुंदर बना रहे थे, और एक मैं जिसके अंदर एक भी टैलेंट नहीं। तो मैंने सोचा भगवान जी से तो आज मैं पूछूंगी। और जब मैं अंदर गई, मुझे लगा सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज़ चाहिए। मैंने जब हाथ जोड़ के कहा भगवान, उसी टाइम पे पंडित जी ने बोला नेक्स्ट। बस इसी तरह मेरा और एक सपना अधूरा ही रह गया, और एक बार किस्मत ने मेरी साथ नहीं दिया। फिर मैंने सोचा भगवान तो मन की बात जानते हैं ना, तो फिर मांगने की क्या ज़रूरत। और उसके बाद हम लोग आ गए रामगढ़ फोर्ट में। ये है ऑपोजिट साइड में तुलसी घाट के। 1750 में काशी नरेश महाराज बल्लभराज सिंह ने इस महल को बनाए थे। जब मैं इसके अंदर एंट्री की, हमेशा की तरह मैं अपनी सपनों में खो गई कि क्या पता शायद पिछले जन्म में मैं होंगी कोई राजा या राजकुमारी। फिर गार्ड ने बोला आगे चलो, और मैं आगे बढ़ते हुए इस जन्म में आ गई। तो मैंने ठान लिया था कि अंदर जब आई हूँ मैं तो राजा को देख कर ही जाऊँगी, पर बाद में पता चला राजा तो है ही नहीं। हाँ, बस इसी तरह मैं बहुत नॉनसेंस बातें कर सकती हूँ, यही मेरा टैलेंट है, अगर आप लोग इसे मानोगे तो। तो इस तरह ही, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब,